हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिमेट्रिक सैम्पलिंग के बारे में। तो ये जो दोनों सैम्पलिंग है ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही आती हैं। जो हमने पढ़ा था कि एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों भी जो आती हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ही आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये पूरा डेटा है। अब इस पूरे डेटा पे ये हम पर ब्लैक वाली एक बॉल है, दो पिंक की बॉल हैं, तीन ग्रीन रंग की बॉल हैं और दो जो बॉल हैं वो ब्लू रंग की हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लस्टर सैम्पलिंग से डेटा को कलेक्ट करना है, सैम्पल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, कोई रैंडम प्रॉपर्टीज़ उठाकर इसके क्लस्टर्स बना दूंगा। तो मैंने जो पहली प्रॉपर्टी उठाई वो मैंने पहला क्लस्टर बनाया पिंक एंड ब्लू बॉल से। तो मैंने जो एक क्लस्टर बना दिया उसमें केवल क्या होगा, एक तो पिंक बॉल होगी और एक ब्लू बॉल होगी, तो वो मैंने ये वाला क्लस्टर बना दिया, आप देख सकते हो। दूसरा जो मैंने क्लस्टर बनाया वो बनाया ग्रीन एंड ब्लैक बॉल से। ये हम कोई भी रैंडम प्रॉपर्टी उठा के ऐसे क्लस्टर बना सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन और ब्लैक बॉल वाला क्लस्टर बना दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों क्लस्टर्स में से दो दो सैंपल्स उठा लूँगा। जैसे अगर मेरे को टोटल चार सैंपल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि दो दो सैंपल्स उठा लूँगा। इसमें से मैंने रैंडमली कोई भी दो सैंपल उठा लिए और इसमें से कोई भी मैंने दो रैंडमली सैंपल उठा लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लस्टर सैम्पलिंग, कि हम क्लस्टर सैम्पलिंग में डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। अब बात करूँगा मैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की। तो जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम क्या करने वाले हैं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप मान लो कि हमारे पास कुछ डाटा है। मैं बताता हूँ, ये क्लस्टर सैम्पलिंग तो समझ में आ गई। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में देखते हैं। अगर मान लो कि ये जो टेबल वाला डेटा है जिसका मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये जो मैंने टेबल बना रखी है वो, उसमें मान लो कि ये टोटल हम पर कुछ आठ डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नंबर्स में बने हैं। मतलब सब पर नंबर एसोसिएट आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट डेटा है ये, सेकंड डेटा है, थर्ड डेटा है ये, फोर्थ डेटा है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, ये एट्थ है। अब अगर मेरे को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से उठाना है तो मैं जो फर्स्ट डेटा उठाऊंगा वो तो मैं अपने मन से उठा लूंगा। मान लो कि एन, ये मैंने कुछ फर्स्ट डेटा उठाया स्मॉल एन, उसका नंबरिंग मैंने ले ली 1। उसके आगे जो मैं डेटा उठाऊंगा वो एक सिस्टमेटिक रूप में उठाऊंगा। जैसे मान लो कि अगर मैं डेटा उठा रहा हूँ वो है एन प्लस के, तो जो के की वैल्यू है वो मैंने सेट कर दी 2। तो आप देखो तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3। एन मैंने ले लिया था 1, ठीक है, फिर उसके बाद 3 प्लस 2 5 है ना, एंड 5 प्लस 2 7। तो मैं कौन कौन से डेटा उठाऊंगा, एक तो 1 वाला उठाया, जो हमें स्टार्टिंग वाला डेटा उठाना है वो हम अपने मन से चूज कर सकते हैं। तो एक तो मैंने 1 वाला उठा लिया, ठीक है, एक मैंने उठा लिया 3 वाला, ठीक है, एक मैंने उठा लिया 5 वाला और एक मैंने उठा लिया 7 वाला। क्यों मैंने ऐसा ऐसा उठाया, क्योंकि मैं जो हर बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वो मैं कितना इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 2 का। तो सबसे पहले 1 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर 5 उठाया, मैं 7 उठाया। मतलब इसमें हम एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं, ये एन प्लस के फॉर्म में हम जैसे इसमें चला रहे हैं। तो ये सिस्टमेटिक हो गया कि नहीं हो गया, हर बार हम कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 2 इंक्रीमेंट करके डेटा को उठा रहे हैं। तो ये जो होता है वो होता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।